सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी जयपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 नवंबर का चाणक्यस करंट नामा। देखिए आज जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से खासकर, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है प्रीलिम्स आपके पास आने वाला है और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको आप सेग्रीगेट करना शुरू कर दीजिए कि प्रीलिम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब जब नोट्स बनाते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं रहता है उस समय कि भाई आगे जाके इसका यूज़ कैसा होगा, लेकिन अब अगर आपने पहले से ये सारी चीज़ें सोच रखी है कि मैं इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यूज़ करूँगा मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ करूँगा तो उसको आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नोट्स आपको सेम ही बनाने हैं, कोई अलग से नोट्स नहीं बनते हैं कि प्रीलिम्स का अलग से बन गया मेंस का अलग से बन गया, नोट्स वही रहेंगे। लेकिन जब प्रीलिम्स का समय आने वाला होगा, जब बहुत ही कम समय बचा होगा, उस समय आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी होगी और उस समय आप क्या करेंगे कि एक ये चाहेंगे कि बस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकें। करना क्या होगा, जो आपके नोट्स हैं उसमें साइड में पी पी ऐसे मार्क करके आप चलिए और रेस्ट ऑफ द थिंग्स मेंस के लिए हो जाएंगी। मेंस में तो खैर सारा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट जो प्रीलिम्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क करके रखिए और हाईलाइट करके रखिए। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, एयर पॉल्यूशन इम्पैक्टिंग इकोनॉमी। देखिए ये दोनों ही टॉपिक GS3 के हैं, एक एयर पॉल्यूशन और दूसरा इकोनॉमी। अब लोग कहते हैं ना कि टॉपिक्स को आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये आपने देखा ये किसका हो गया, आपका एनवायरनमेंट का हो गया, और ये आपने देखा ये किसका हो गया, इकोनॉमी का। ऑब्वियसली इकोनॉमी है तो इकोनॉमी का ही टॉपिक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तो हम न जाने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, उसका पूरा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एक अपडेट्स हमने देखा है इसके अंदर, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है, जल्द ही वर्डिक्ट सुनाएंगे भी। ब्लेचली डिक्लेरेशन, देखिए ब्लेचली डिक्लेरेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि ब्लेचली डिक्लेरेशन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उसके अंदर क्या होगा, एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है कुछ, है ना। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये क्या है आखिर। फिर उसके बाद यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को के कुछ इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे कि आपको पता है हेरिटेज साइट वाला एक बहुत एक कंसेप्ट आता है, जीआई टैग्स का एक कंसेप्ट आता है, वो किसका है, जीआई टैग वाला कंसेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आप दूसरे अदर इनिशिएटिव्स देखेंगे कि जो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से ये एक नया इनिशिएटिव, बेसिकली इनिशिएटिव नया नहीं है लेकिन हमारे लिए करंट अफेयर में है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इनिशिएटिव तो ये 2004 का है, ठीक है, कोई नया नहीं है कि ये नया कुछ बना है, इनिशिएटिव 2004 का है, लेकिन अब ये न्यूज़ में आ गया है इसीलिए हमारे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके सारे सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑलरेडी हमने यहाँ हाईलाइट कर ली है, हम इसको एक एक करके देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन से इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप ये सोचते हैं कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, है ना, जैसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हम एनवायरनमेंट, तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट ही ख़राब नहीं हो रहा है, उससे इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसको दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि हम अगर ये बात रखें हमारी किसी के सामने कि इकोनॉमी भी ख़राब हो रही है किससे, एयर पॉल्यूशन से, तो उस क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे वो हम देखते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ डायरेक्ट डिबिलिटिंग इम्पैक्ट ऑन GDP ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल्स बाई रिड्यूसिंग वर्कर आउटपुट्स। पहली चीज तो क्या हो गई, वर्कर आउटपुट्स क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, यानी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके थ्रू जो आउटपुट आ रही है वो कम हो जाएगी। लोअरिंग कंज्यूमर फुटफॉल इन कंजम्पशन लेड सर्विसेज, जो कंजम्पशन लेड सर्विसेज हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स जाते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हैम्परिंग एसेट प्रोडक्टिविटी, यानी जो आपके एसेट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। जैसे आप सपोज कीजिए कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन की लाइफ मान लो 10 साल है, लेकिन ये वहां वेदर ऐसा है कि उस जो एयर पॉल्यूशन है उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कारण वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मशीन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली अगर कोई पॉल्यूटेंट है अगर हम उसकी बात करें और ये एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया, और उस पॉल्यूटेंट के कारण अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इस मशीनरी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, तो मशीनरी की लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट हम देखते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और
अगर कोई पर्टिकुलर स्टडी होती है उसके अंदर ये सब निकल के बाहर आता है एंड ट्रिगरिंग ए सर्ज इन हेल्थ एक्सपेंसेस एंड वेलफेयर एलोकेशंस। देखिए हेल्थ एक्सपेंस ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। रिसेंटली हमने वो भी देखा था NO2 के इंक्रीज होने से जो समस्याएं थी दिल्ली का, जब हमने एडिटोरियल पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि NO2 जब इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है साथ के अंदर, साथ में जो लोग आ रहे हैं अपना जो बेसिकली गले में प्रॉब्लम के साथ और ट्रॉमा सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमरजेंसी रूम में भर्ती हो रहे थे NO2 के कारण, तो ऑब्वियसली हेल्थ तो इम्पैक्ट हो ही रही है। आपको याद भी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कंसेप्ट भी हमने उसमें देखा था कि जैसे ही एक थ्रेशोल्ड लेवल तक वो जाती है तो क्या होता है, एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करती है जिससे कि अदर पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट कम हो जाता है, और जैसे ही थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है वो बहुत डेंजरसली हार्मफुल हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं, उसी से रिलेटेड ये भी है। फिर देखते हैं अब एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। द RBI's डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च सेड इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस दैट 4.5% ऑफ इंडियाज GDP कुड बी एट रिस्क बाई 2030। ये बहुत ही अच्छी लाइन है आपके एग्जाम में यूज करने के लायक कि आप जब लिखें ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है एनवायरनमेंट का, GDP पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है पॉल्यूशन का, तो वो सारी बातें आप यहाँ से एक लाइन लिख के ही क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 4.5% ऑफ इंडियाज GDP कुड बी एट रिस्क बाई 2030। 4.5% इज ए वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा नंबर है वो रिस्क पे है तो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन के लेवल्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और स्टडी हुई थी जो वर्ल्ड बैंक ने की थी दैट माइक्रो लेवल इंपैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ प्रोडक्टिविटी लेबर सप्लाई एंड अदर इकोनॉमिकल रेलेवेंट आउटकम एग्रीगेट टू मैक्रो लेवल इफेक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व। यानी जो माइक्रो लेवल, जैसे कि सपोज करो ये है टोटल, हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो माइक्रो लेवल पे जो फिनोमिना हो रहे हैं उनका इंपैक्ट डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो ये सारी बातें आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तभी उस आंसर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे लिए और क्या क्या रेलेवेंट है। देखिए 4 areas ऑफ इम्पैक्ट, अगर हम इसको एकदम क्रिस्प वे में समझना चाहें कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम इसको 4 factors में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बियॉन्ड द एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉयज मे टेंड टू ओवरवर्क टू कंपनसेट फॉर लॉस्ट टाइम। यानी कि अब ऑब्वियसली अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उस एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो क्या होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी भी उसकी धीरे धीरे डाउन होगी क्योंकि इतना काम करने के बाद उसको टायर्ड फील होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम न्यूमेरिकली एस्टिमेट नहीं कर पाते लेकिन इनका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं सेक्टर्स दैट रिलाई ऑन मेंटल आउटपुट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सॉफ्टवेयर आर एक्स्ट्रा वल्नरेबल। ये एक्स्ट्रा वल्नरेबल हैं जहाँ पे मेंटल आउटपुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर डिक्लाइन इन कंजम्पशन इकोनॉमी, यानी कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर भी क्या है डिक्लाइन, यहाँ भी एक फैक्ट दिया हुआ है जैसे कि व्हेन द एयर इज़ बैड पीपल टेंड टू स्टे इनडोर्स, यानी बाहर जाके कुछ सामान खरीदेंगे क्या लोग, ऑब्वियसली घर पे ही रहना पसंद करेंगे वो कि नहीं भाई हम तो नहीं जा रहे मार्केट, हम तो यहीं घर पे ही रहेंगे, प्लान कैंसिल करते हैं। तो इन 2019 कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस कुड हैव गेन्ड $22 billion इन रेवेन्यू इफ पॉल्यूशन लेवल्स वर इम्प्रूव्ड। यानी अगर पॉल्यूशन कम होता तो $22 billion इज ए वेरी बिग नंबर, इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाते बिजनेसेस अगर पॉल्यूशन लेवल्स कम होते। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो आपको ईजी लगे वो फैक्टर आप रखिए, जो आपको पॉइंट ईजी लगे उसको आप याद रखिए। उसी तरह से ये सारे फैक्टर्स भी हैं, रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन फॉर बिजनेस एसेट्स, ये हमने बात कर ली, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मशीन का, तो ये आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स क्विकन द डिग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। यानी आजकल हर जगह हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज़ होता है। आप ये जो TV देख रहे हो इतना बड़ा, ये भी क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, इसकी डिग्रेड होने की स्पीड को बढ़ा देती है, तो ऑब्वियसली इसकी लाइफ क्या है, घट जाएगी, ये जितना चलता है उससे थोड़ा सा कम चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स कॉज 5-12% इन एग्रीकल्चरल ईल्ड्स, यानी कि एग्रीकल्चर की जो ईल्ड है, जो एग्रीकल्चर की बेसिकली प्रोडक्टिविटी है, वो भी 5-12% तक क्या है गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने अलग अलग देखा, यहाँ बिजनेस का हमने देखा, यहाँ कंजम्पशन इकोनॉमी का हमने देखा, यहाँ पे रिड्यूस लाइफ स्पैन फॉर एसेट्स हमने देखा, फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि
एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स वाला, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट हमने देख लिया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक टोल फ्रॉम प्री मैच्योर डेथ्स, ये तो बेसिकली हम जानते ही हैं कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हेल्थ को तो इम्पैक्ट करना ही करना है। तो ये फैक्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 18% फॉर ऑल डेथ्स इन इंडिया। मतलब नेचुरल डेथ एक चीज़ होती है और उसके अलावा कोई बीमारी से भी कोई व्यक्ति ख़त्म होता है, लेकिन 18% डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एयर पॉल्यूशन। मतलब आप सोच सकते हो कि एयर पॉल्यूशन के कारण 18% जो डेथ्स हुई थी उसमें एयर पॉल्यूशन 18% जो है उसमें वेटेज कैरी करता है। तो एक कितनी सोचने वाली बात है कि जो नेचुरल डेथ्स है, जो बीमारी से होने वाली डेथ्स है, उसमें भी इसका इतना बड़ा एक नंबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं और अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारे देश की, कि भाई हमारे देश में पॉल्यूटेड सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, मोर देन 20 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 सिटीज़ विद द वर्स्ट एयर पॉल्यूशन आर इन इंडिया। ये सिंपल फैक्ट्स हैं, आप जहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप यूज़ कीजिए। और अगर आपने कोई फैक्ट शीट बनाई है, आप चाहते हो कि हम उसे रिव्यू करें, तो आप इजीली डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेज सकते हो, हम उसे चेक करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर कोई डाउट्स हैं आपको तो भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एक और हम फैक्ट देख लेते हैं कि द पुअर एयर क्वालिटी इम्पीडेड द परफॉर्मेंस ऑफ अदरवाइज हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज एज मच एज इट डिड ऑफ लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स। बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की, वो भी क्या हुई, हैम्पर हो गई। किस चीज़ के कारण, पुअर एयर क्वालिटी के कारण। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अब देखिए, हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है और इसके एक एक एस्पेक्ट पे हमने डिस्कस किया है। आज सिर्फ इतना अपडेट है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है और जल्दी ही वर्डिक्ट भी आपके सामने होगा। क्या वर्डिक्ट देगी सुप्रीम कोर्ट, वो हम सुनेंगे। और अभी जो अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट वोटर्स हैज नो राइट टू नो सोर्स ऑफ फंडिंग। यानी जो पिछले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अटॉर्नी जनरल ने क्या बोला, अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि भाई जो जनता है उनको सारी चीज़ों के बारे में सारी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ये उनका अधिकार नहीं है, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में क्या बोला है कि ऐसा जो आप ये कह रहे हो ये हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि आखिर ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट सेड थर्सडे इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट कंटेंशन दैट वोटर्स डू नॉट हैव द राइट टू नो द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब देखिए, एक और आपके लिए स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ, जो हम आप अक्सर ये पूछते हो डाउट्स में कि भाई वे फॉरवर्ड क्या लिखें हम, वे फॉरवर्ड में क्या आना चाहिए, ये कॉन्क्लूजन से डिफरेंट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो वे फॉरवर्ड आज हमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया। अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना हो आपके आंसर्स में, तो डायरेक्ट ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं हम वन बाई वन देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है द नीड टू रिड्यूस द कैश एलिमेंट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो कैश एलिमेंट है वो हमें क्या करना है, कम से कम उसको सीमित रखना है। और द नीड टू एनकरेज यूज ऑफ अथोराइज्ड बैंकिंग चैनल्स, यानी अथोराइज्ड बैंकिंग चैनल्स का हम यूज करें। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो SBI ही इशू करता है सिर्फ, तो हमें इसको और भी क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, या फिर एक ये कहें कि हम इसे फॉर्मलाइज करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस रिजल्ट ऑफ ग्रेटर कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। बट देर इज ए फोर्थ कंसिडरेशन, द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इशू पूरा घुमा फिरा के इशू ही क्या था, यही तो इशू था ना कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति पैसा देता है बैंक में और इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है, तो उसमें कोई डिटेल नहीं होती है कि भाई ये क्या है, किसके लिए है, कि बस वो जाके अपनी पार्टी को देगा, पार्टी जमा करेगी, पार्टी बैंक में आके अपना वापस क्या ले लेगी, पैसा ले लेगी। लेकिन दूसरा कंसर्न इसके अंदर ये था कि जो SBI है वो भी तो बैंक का है, बेसिकली गवर्नमेंट का है SBI बैंक, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो फोर्सफुली वो डेटा निकलवा सकती है। तो एक कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी हैम्पर हो रही थी, ऐसा उस पिटीशन में बोला था। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे CJI हैं उन्होंने भी बोला कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप ये स्कीम ख़त्म कर दो या आप इस स्कीम को बंद कर दो,
हम ऐसा कह रहे हैं कि इसके अंदर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम आना चाहिए, ऐसा बोला है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। द फिफ्थ कंसिडरेशन दैट दिस शुड नॉट बिकम इलेजिटिमाइजेशन ऑफ क्विड प्रो क्वो बिटवीन द पावर सेंटर्स वेदर इन द स्टेट्स और सेंटर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आप वे फॉरवर्ड में इजिली यूज कर सकते हो। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप इजीली लिखिए, पहले लिखिए बाद में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कम पॉइंट्स लिखना चाहते हैं 5 में से 3 लिख दीजिए, आपको वे फॉरवर्ड अल्टीमेटली लिखना है। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू, व्हाई ग्लोबल पैक्ट ऑन AI मैटर्स। देखिए AI कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं और AI के ऊपर हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले भी डिस्कस किए थे कि इंडिया के अंदर जो है AI का वो एक मीट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो है ऑल ग्लोबल भी एक होने जा रही है, फिर ये वाली जो मीटिंग है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। कहाँ हुई है पहले तो ये आपको बता देता हूँ कि ये UK में हुई है, ठीक है, ये UK में हुई है और कहाँ हुई है, ब्लेचले पार्क में ये हुई है। तो अब हमने जो टॉपिक देखा था शुरू में उसमें हमने क्या देखा था, ब्लेचले डिक्लेरेशन। तो अब ये आपको पता चल गया कि ये ब्लेचले पार्क, ब्लेचले डिक्लेरेशन ये सब किससे रिलेटेड होगा, ये सब AI के रेस्पॉन्सिबल यूज से डिक्लेयर से रिलेटेड होगा। यानी कि ये जो पूरी मीटिंग हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, किससे रिलेटेड है कि हम AI का जो जनरेटिव AI है। अच्छा ये बताओ जनरेटिव AI आपको पता है कि नहीं पता है, जनरेटिव AI का मतलब जैसे आप जाते हो ChatGPT वगैरह, जैसे ये है Google का Bard है, इस पर आप कुछ भी लिखते हो कि मुझे इस पर्सन के बारे में, बेसिकली कोई फेमस नॉन पर्सनैलिटी, जैसे आप लिखोगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मुझे बताइए 20 पॉइंट्स, तुरंत 20 पॉइंट्स आ जाएंगे सामने। अब सपोज आपने उस पूरा छाप के और एक बुक छाप दी, ठीक है, अब क्या होगा, क्या आपका उसके ऊपर अधिकार होगा कॉपीराइट, या फिर ChatGPT के जो है उसका अधिकार होगा? तो एक बड़ा कॉपीराइट इशू बनता है, ऐसे तो आप कुछ भी उसे टाइप करवा के अपना पब्लिकेशन खोल लेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं कि वो लेजिटिमेट चीज़ है कि नहीं है, वो उसका सोर्स क्या है, क्योंकि जो ChatGPT है वो हमें इतने बड़े डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके देता है, मॉडल्स हैं उसके इतनी बड़ी डेटा के ऊपर ट्रेन हुए रहते हैं, तो वो उस डेटा को अगर आप डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि ये डेटा मैंने बनाया है, मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक इशू आता है लेजिटिमेसी का। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये सारे जो इसके यूज़ हैं, ये तो मैंने आपको एक छोटा सिंपल सा यूज़ बताया है, इसके बहुत अनेकों यूज़ हो सकते हैं। इससे आप कोड्स बनवा सकते हो, है ना, जो कोडिंग करते हैं अलग अलग, ये पूरा कोड आपको तैयार करके दे देता है, तो इससे बहुत अनेकों प्रकार के यूज़ किए जा सकते हैं। तो उसका यूज़ रेस्पॉन्सिबली हो, इसीलिए ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। और यहाँ जो डिक्लेरेशन, यानी इन सब लोगों ने मिलके जो अपनी बात रखी सामने, उसको बोलेंगे ब्लेचले डिक्लेरेशन, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब ये जो बात है हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट इज फ्रंटियर AI। फ्रंटियर AI इज डिफाइंड एज हाईली केपेबल फाउंडेशन जनरेटिव AI मॉडल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ जनरेटिव AI मॉडल्स क्या होते हैं। That could pose severe risk to public safety. The declaration incorporates that all an acknowledgement of the substantial risk from potential intentional misuse. देखिए कोई भी चीज़ है उसका अच्छा भी यूज़ हो सकता है, misuse भी हो सकता है। अच्छे यूज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, misuse को हमें टैकल करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। अब कोई भी चक्कू है तो आदमी सब्जी भी काट सकता है, किसी का गला भी काट सकता है, तो हमें गले काटने वाले को क्या है, कहाँ पहुँचाना है, जेल पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही एथिक्स के इसके आपके साथ AI के साथ भी हो सकता है कि इसका एथिकल यूज़ अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई अच्छी चीज़ निकल के आती है। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि एक AI मॉडल ने एक पर्सन की जो है डिजीज़ को डिटेक्ट किया एकदम एग्जैक्टली, जबकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये तो एक अच्छा यूज़ हो गया। तो अच्छे यूज़ भी हैं इसके। अब देखिए अलग अलग देशों ने अपनी क्या क्या राय रखी है इसके अंदर, या फिर अगर हम ये कहें कि अलग अलग देशों के क्या क्या रूल्स हैं, तो बाइडन, जो बाइडन ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहा हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे, AI को रेगुलेट करने की उन्होंने बात करी है। और उन्होंने क्या बोला है, इट रेगुलेट्स दिस रेगुलेशन टू शेयर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ देयर न्यूअर प्रोडक्ट्स। यानी कोई भी नया टेस्ट आप कर रहे हैं AI को लेके, तो वो गवर्नमेंट को आप बताइए। USA की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आता है रेड टीमिंग, यानी कि रेड टीमिंग। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसा आता है,
एक वर्ड दे देंगे, रेड टीमिंग. द वर्ड रेड टीमिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. फिर बोलेंगे कि इसके अंदर जो है एक स्टार टूटता है, स्टार टूटने के बाद जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं रेड टीमिंग, है ना. फिर आपको भी लगेगा ऐसे सही हो सकता है, इसको टिक कर देते हैं. फिर बहुत खुशी से हम टिक करके आते हैं, घर पे सबको बताते हैं ये सवाल सही करके आया हूँ. फिर जब आंसर की आती है तो हमें पता चलता है कि रेड टीमिंग क्या था, AI से रिलेटेड है. द डेवलपर सेफ्टी टेस्ट नॉन एज, यानी जब डेवलपर्स यानी जो कोड बनाते हैं वो सेफ्टी टेस्ट बेसिकली करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं, कैसा वर्क कर रहा है, क्या इसके अंदर खामियां हैं, क्या सही चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं रेड टीमिंग. यानी आप इतना याद रखिए AI से रिलेटेड है, मॉडलिंग से मॉडलिंग जो बेसिकली मॉडल को तैयार करते हैं उससे रिलेटेड है, तो ये आपको गलत नहीं करना है. फिर द कंसर्न्स लाई अंडर थ्री ब्रॉड हेड्स, यानी जैसा हमने देखा प्राइवेसी, एक तो क्या हो गया प्राइवेसी, एक सिस्टम बायस एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. IPR हमने देखा था, मैंने अभी आपको स्टार्ट करते ही ये एग्जाम्पल दिया था IPR का. फिर उसके बाद सिस्टम बायस, भाई सिस्टम भी तो बायस हो सकता है ना. जैसे सपोज करो आपने डेटा ही एक तरह की उसको फीड करी है, यानी सपोज करो कि दो जने लड़ रहे हैं, है ना, आपने इस आदमी की ही बात सुनी, इसकी सुनी ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो डेटा है आपने कंप्यूटर को दी, तो ऑटोमेटिकली बोलेगा हाँ यही सही कह रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, या तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं मानेगा वो, ठीक है. तो इस तरह का सिस्टम बायस भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, और प्राइवेसी के लिए भी एक थ्रेट है. तो अलग अलग देशों ने क्या क्या बोला है, EU का ये देखो आर्टिकल जो आया है अभी, और ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत टाइम पहले भी, सेम इसी तरह का एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर EU का और US का कंपैरिजन था कि लॉज के अंदर क्या क्या है. EU का हमने देखा था कि क्या था कि जो बना रहे हैं प्रोग्राम बना रहे हैं या मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल में सिस्टम में जो बेसिकली एक एक मॉडल की, जैसे इस मॉडल में क्या है गलत, इस मॉडल में क्या है सही, इसमें क्या गलत है, इंडिविजुअल मॉडल को वो असेसमेंट करेंगे, है ना. तो ये इनकी स्ट्रेटजी है EU की. और US का हमने देख लिया, जो बाइडन ने ऑर्डर दिया था, चाइना भी अपना लॉ बना चुका है, चाइना ने भी अपना लॉ क्या बना लिया है AI के रिगार्डिंग बना लिया है. इंडिया की क्या पोजीशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. देखिए जब भी कोई आंसर आता है हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का उसके अंदर क्या स्टैंड है. इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली पुशिंग द एनवेलप ऑन AI रेगुलेशन, है ना. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड कॉल्ड फॉर द ग्लोबल फ्रेमवर्क टूल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एथिकल AI टूल्स. ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं, AI एथिकल टूल्स, जैसे कि ये बात होती है एथिकल एथिक्स, ये सारे वर्ड्स हैं ना आपको इसमें यूज़ करने हैं. आप नॉर्मली लिख के आओगे कि AI है ना बहुत अच्छा काम करता है, ये तो हम भी लगाएंगे, हमारे हम भी Alexa लगाएंगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेगी, आपको ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे. जैसे एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क हो गया, है ना, रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI हो गया. ये जब आप लिखोगे तो लगेगा कि हाँ एक IAS एस्पिरेंट ने ये आंसर लिखा है, ना कि किसी एक नॉर्मल एस्पिरेंट ने यह आंसर लिखा है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखिए केरला गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स. ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नर का लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ क्या चलता है, टसल चलता है. क्यों चलता है, क्योंकि गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई दूसरी पार्टी है सेंटर के अलावा तो वहाँ क्या है, टसल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उसी तरह का एक यहाँ किस्सा है टसल का, जहाँ पे गवर्नर ऑफ केरला ने कुछ बिल्स जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलरेडी पास कर चुकी थी, इन्होंने क्या किया, उसको आगे अप्रूव नहीं किया, ठीक है. अब केरला गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई आपको जब बिल भेज दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देना चाहिए था, इसको पास कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने एक भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 200 में क्या लिखा है, 200 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या लिखा है कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. गवर्नर के पास ऑप्शन होता है कि या तो उसको असेंट दे दे, या फिर उसको क्या कर दे, विथहोल्ड कर दे, या फिर उसको प्रेजिडेंट के लिए क्या कर दे, रख ले, है ना, प्रेजिडेंट के पास भेजने के लिए रख ले. फिर इसके बाद 201 में क्या होता है कि अगर भाई प्रेसिडेंट के पास भेजा था तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि उसको या तो असेंट दे दे या फिर उसको क्या कर ले, वापस गवर्नर के पास भेज दे कि भाई हाँ ठीक है ये अभी असेंबली में वापस
भेजो इन सजेशंस के साथ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आपने ना तो ऐसा कुछ किया ना कुछ और, आप तो उसके ऊपर बस बैठ गए, आपने इनको पास आगे होने नहीं दिया। ये सारे अपनी शिकायत लेके जो है आगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यही सारा पूरा मुद्दा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था आर्टिकल 200। हमने पूरा आर्टिकल 200 देख लिया और उसके प्रोविजंस हमने देख लिए। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को नेम्स कोझिकोड़े। बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, कोझिकोड़े, ठीक है। अगर हम इसको गलत पढ़ेंगे तो कोझिकोड़े बोल देंगे गलती से, जैसे मैंने अभी बोला, लेकिन हमें क्या बोलना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कोझिकोड़े, यानी कि द सिटी ऑफ लिटरेचर। वॉट दिस टैग मीन्स, देखिए आपने GI टैग वगैरह सब देखा हुआ है ना, आपने यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स देखी हुई है, अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी यही। अब ये क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया अचानक से, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये मुद्दा क्या है, ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें होता क्या है, कोई भी जब डेवलपमेंट होता है, अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें, जैसे कि नई नई बिल्डिंग्स बन रही है या फिर कहीं पे भी अपना सड़कें बन रही है, नए नए बहुत बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज लग रही हैं, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट को अगर क्रिएटिविटी से सपोर्ट किया जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, उन चीज़ों को क्या किया जाता है, बेसिकली प्रमोट किया जाता है। तो और उसके लिए क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यानी UCCN। CCN का मतलब चाणक्य इज करंट नामा, नहीं, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बैकग्राउंड बताया मैंने। अब देखो जैसा हमने पहले देखा था ना, 2004 के अंदर ही इसका क्या हो गया था, इनिशिएशन हो गया था। ये अभी जो न्यूज में है, अब ये न्यूज में क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं, और ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कि इतना छोटा सा आर्टिकल है फिर भी हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज तो UCCN के ऊपर ही बन सकता है कि भाई जो ये इस तरह के जो डिक्लेरेशन है ये कौन सी बॉडी करती है, यूनेस्को करती है या फिर कोई और करेगा, है ना, या दूसरी कोई अदर इंस्टीट्यूट का नाम ले देंगे, है ना, ये करती है ना। एक तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया, ये तो चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोई स्टेटमेंट भले ही बन जाए। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी सिटी को कौन सी चीज के लिए रिकॉग्निशन मिला है, वो इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, जैसे कि ग्वालियर को किस लिए मिला है, ग्वालियर को मिला है म्यूजिक के लिए, जो रिकॉग्निशन मिला है ग्वालियर को मिला है किसके लिए, म्यूजिक के लिए। और कोझिकोड़े को किसके लिए मिला है, लिटरेचर के लिए मिला है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा KL राहुल, ठीक है, कोझिकोड़े लिटरेचर, और GM क्रॉप्स हमें पता है, तो ग्वालियर किसके लिए, म्यूजिक के लिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी सिटीज हैं इंडिया में जिनको मिला हुआ है, सिर्फ ये दो नहीं है, इन्हें तो रिसेंटली मिला है, कुछ और भी सिटीज हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग आएगा तो तीन चार चीजों में आएगा। अच्छा ये आपको पहले मैं बता देता हूँ कि किस किस चीजों के अंदर ये मिलता है, ये मिलता है क्राफ्ट्स के अंदर, फोक आर्ट्स के अंदर, डिजाइन के अंदर, फिल्म के अंदर, गैस्ट्रोनॉमी के अंदर, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक, इन अनेकों चीजों के अंदर ये दिया जाता है, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद इंडियन सिटीज इन द नेटवर्क, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख ली, ये हमने देख ली। अब वाराणसी किसके लिए फेमस है, म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक के लिए इसको मिल गया, है ना, वाराणसी म्यूजिक, अभी हमने देखा था ग्वालियर म्यूजिक। फिर एक म्यूजिक के लिए और है, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए, ठीक है, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए, तो ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी तीनों को म्यूजिक के लिए मिला है। फिर श्रीनगर को किसके लिए मिला है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। देखिए कई बार अक्सर अचानक से ऐसी इंस्टीट्यूट आ जाती है न्यूज़ में और फिर बाद में वो गायब हो जाती है न्यूज़ में से, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम लगता है तो वहाँ हम जब इसको क्वेश्चन देखते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये कैसे पूछ लिया, ये तो कुछ था ही नहीं, बाद में पता चलता है ये करंट अफेयर्स के अंदर थी चीज़ और हम इसे मिस कर गए। लेकिन क्या हमने मिस किया, नहीं, हम इसको याद करके जाएंगे। फिर उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखिए ये तो हो गया प्रीलिम्स का एक पर्सपेक्टिव, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
ये आपके जीएस वन में कल्चर में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट मलयालम नोवल कुंदलता वाज बॉर्न इन कोईकोडे इन 1886. अब नोवल का नाम दे देंगे, कुंदलता वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या नाम आ जाएगा? अप्पू नेदुनगडी. ठीक है, आपने ये तो आपको पता ही है. लास्ट 2021 में आई थिंक एक बुक दी थी, है ना, और बुक का राइटर पूछ लिया था, ऑथर पूछा था, सब कंफ्यूज हो रहे थे कहाँ से पूछ लिया कैसे पूछ लिया. तो यहाँ से वो क्या है, चीज़ें हमें ढूंढ के रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है कि भाई अगर इस तरह से कुछ आया, मतलब आप रफ आइडिया भी रखोगे ना कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, न्यूज़ में था, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर उसके बाद देर वर अदर राइटर्स टू, ये अदर राइटर्स भी रहे हैं उस टाइम पे, वैकोम मोहम्मद बशीर, है ना, उरूब और थिकुडियन, है ना, ML कक्कड़, ये सब राइटर्स भी रहे हैं. ये केरल की हम बात कर रहे हैं. तो ये आ गई नोवल और ये उनके राइटर आ गए. तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, मैच द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन दिस. फिर ये हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. ऑब्जेक्टिव वही है कि क्रिएटिविटी के साथ ऐसा हम डेवलपमेंट करें जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और वो क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लाइंस पर हो. फिर एरियाज ऑफ एक्शन, आपको पता है बहुत सिटीज एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्शंस करते हैं. फिर एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इनकी हर साल, और जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स क्या करते हैं, हर चार साल में अपना रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं. ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, फैक्ट है, हम याद करने की मतलब एक समझ सकते हैं बेसिकली, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो और हाँ, एक और बात कि अगर आप SSC के एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पे एकदम स्टैटिक चीज़ें पूछते हैं तो उनके भी आप बात कर सकते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि द लास्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन सेंटोस ब्राज़ील एंड दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस वॉज इन इस्तानबुल. यानी तीन आप याद रखिए, पहले कहाँ हुई थी, सेंटोस ब्राज़ील में, फिर उसके बाद अभी इस्तानबुल में हुई, और नेक्स्ट वाली कहाँ होने वाली है, ब्रागा पोर्तुगल में. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब वैसे तो UPSC नहीं पूछता है कि भाई एकदम एकदम डिटेल में, इतना डिटेल में तो वो जाके पूछेगा नहीं कहाँ हुई थी, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है. तो बस एक रेफरेंस के लिए आप याद रखिए. सो आई होप आज की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और जल्द ही आपको एक क्वेश्चन ऑफ द वीक भी मैं देने वाला हूँ. लास्ट टाइम का भी आपने सबमिशन कर दिया था, लेकिन जिस भी एस्पिरेंट ने उसको सबमिट नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए ताकि आपको चेक होकर कॉपी आपकी वापस मिल सके. तो मिलेंगे हम नेक्स्ट करंट नामा में. थैंक यू एवरीवन.